हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। देखिए 9.2 के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, इन अ फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो ए है वो परपेंडिकुलर है डी सी के एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। इफ ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है वो 16 सेंटीमीटर है, जो ओ ए है वो 8 सेंटीमीटर है, जो सी एफ है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, जो चीज़ें हमें दी होती हैं उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। इसके साथ साथ जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स की क्या कंडीशंस होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब बेस पता होगा तो चीज़ें आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए, हमें ये दिया हुआ है ए बी 16, ए ई 8 और सी एफ 10, ये मैंने लिख दिया। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वी नो दैट पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अब देखिए, जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ए बी, ए बी का अपोजिट सी डी है, ये ए बी का अपोजिट सी डी है, तो ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, यानी कि ए बी हमें दिया हुआ था 16, तो सी डी भी हमारा कितना होगा 16 होगा। यहाँ तक तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो आप कह सकते हो कि ए बी सी डी का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो सी डी इंटू ए ई होगा, या फिर ए डी इंटू सी एफ कर सकते हो। तो 16 हमारा था, 16 इंटू 8 कर सकते हो, इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ हमारा 10 था। अब जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 16 इंटू 10 अपॉन ये 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, कैंसिल आउट करके हम इन चीज़ों को देखेंगे तो 12.8 सेंटीमीटर आएगा, 12.8 सेंटीमीटर आएगा कम्प्लीटली इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे। तो ए डी की लेंथ हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि ई, राइट, एफ, जी और एच, ये रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं एक पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ई, एफ, जी, एच का एरिया है वो हाफ होगा ए बी सी डी के एरिया के, हाफ होगा, मिड पॉइंट है। तो देखिए, चीजें बहुत सिंपल है, हमें दिया हुआ है ई, एफ, जी, एच आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के जो साइड्स हैं उसका मिड पॉइंट है। आप देख पा रहे हो ए बी का मिड पॉइंट ई, ए डी का एच, सी डी का जी और बी सी का एफ। तो हमें पैरेललोग्राम में क्या करना है, अब हमने एच और एफ को ज्वाइन कर दिया, जिसे हमने ज्वाइन किया तो हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होता है किसी भी पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो एक चीज़ हमें एग्जैक्टली समझ आएगी पैरेललोग्राम में कि जो ए डी है, जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा और ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा। इसी तरीके से जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा और इसके पैरेलल भी होगा। देखिए, अगर ये इसके बराबर है तो ये जो इसके मिड पॉइंट्स हैं वो इसके हाफ में होंगे, यानी कि हाफ ए डी हो जाएगा ए बी। ए बी को हम कह सकते हैं कि वो किसका हाफ होगा, वो ए डी का हाफ हो सकता है, राइट, चीज़ें अगर इक्वल हैं तो। इसी तरीके से हाफ बी सी भी लिख सकते हैं। तो ए डी का जो हाफ है, ए डी का जो हाफ है उसको हम ए एच लिख सकते हैं, और जो बी सी का हाफ है उसे हम बी एफ लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से ए एच पैरेलल है, अब देखिए आप यहाँ पे ए एच किसके पैरेलल है, बी एफ के। अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी एफ और एच, ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेलल साइड है और अपोजिट्स भी इक्वल है तो पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है एच ई एफ, और जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी एफ एच, ये है सेम बेस इनका। ये देखिए, ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम हमारा सेम बेस का हो रहा है। कौन सा हो रहा है सेम बेस का, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसका बेस देखिए, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, लेकिन ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये सेम बेस पे आ रहा है एच एफ पे, राइट। सो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एच एफ, जो कि ए बी और एच एफ के क्या है, बिटवीन में, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का वो हाफ होगा जो ए बी एफ एच का है। अब सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो नीचे वाला अगर हम लेंगे तो भी इसका हाफ होगा। दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी हैं,
राइट, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स का जो बेस है वो एच एफ था। इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन को जब प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस और दिस इन दोनों का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस हाफ इसका ए बी एफ एच का, और फिर उसके बाद से एच डी एफ सी का, एच डी एफ सी का, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ आपको कॉमन ले लेंगे, कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। अगर हम इनको चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसको हम हाफ लिख सकते हैं। ये जो आप 12 दिख रहे हैं ये हाफ है, राइट, ये हाफ है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। और इस क्वेश्चन में यही हमें प्रूव करना था कि हाफ होना चाहिए ए बी सी डी का एरिया ई एफ जी एच के, ये जो है कंप्लीट। देखिए चीजें बहुत सिंपल थी, हमने इसका कॉमन बेस लिया, दो ट्राइंगल्स लिए, कॉमन बेस था तो इनका एरिया, ये जो पैरेललोग्राम लिया इसके हाफ एरिया के हाफ हुआ, इसके भी एरिया के हाफ हुआ, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने दो इक्वेशन से, तो इसका जो एरिया होगा कंप्लीट, इसका जो एरिया है उसका हाफ निकल करके आया है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लेइंग ऑन द साइड डी सी। पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, एक एडी पे और एक डीसी सीडी पे लाई कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, हमें बताना है कि जो एरिया है ए पी बी का जो एरिया है वो बराबर है बी क्यू सी के एरिया के बराबर है। देखिए आप इनको प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव कर सकते हो, देखिए हर एक चीज को मैं हर एक लाइन को लिखते जा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए अच्छी तरीके से। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, ये जो ट्राइंगल है हमारा BQC जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल में, और ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, ये सेम बेस है। अभी सेम बेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सेम बेस होगा तो इसका एरिया इसके हाफ हो जाएगा। अगर सेम बेस है तो BC एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AD और BC पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां से हमने ये इक्वेशन बना लिया कि जो BQC का एरिया होगा वो ABCD के हाफ होगा। इसी तरीके से अब हम दूसरे ट्राइंगल के लिए भी लेंगे, दूसरे ट्राइंगल के भी लेंगे तो APB हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम बेस लेंगे तो सेम चीजें आएंगी, यहां भी दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, एक एरिया ऑफ APB और एक एरिया ऑफ BQC, दोनों ही हाफ हैं ABCD के। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हम देखेंगे कि एरिया ऑफ BQC जो है बराबर है APB के, दोनों ही एरिया क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसे और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस फिगर में पी जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, ये इंटीरियर है ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD के, इंटीरियर में पी दिया हुआ है। अब पी के थ्रू जो लाइन है वो जा रही है AB, राइट, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन टू AB के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें एरिया ऑफ AP भी दिया हुआ है प्लस एरिया ऑफ PCD, एरिया ऑफ AP और B इसका जो एरिया है, और जो PCD का एरिया है, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो हाफ हो जाएगा किसके, ABCD के एरिया के हाफ हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इस चीज को हमें समझना होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, तो ये देखेंगे कि यार अगर हम लाइन सेगमेंट EF को देखें तो पासिंग थ्रू ऑफ P एंड पैरेलल लाइन सेगमेंट AB, ये AB के पैरेलल है और लाइन सेगमेंट में भी है। देखिए तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है EF के, कंस्ट्रक्शन हमने किया उसके थ्रू हमने देखा, तो ये AB EF, ये एक हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ABCD हमारा पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, तो अब हम AD जो दिया हुआ है और जो BC दिया हुआ है पैरेलल है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, तो हम कह सकते हैं कि जो AE होगा वो BF के बराबर होगा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जब ये बराबर होंगे तो ये भी चीजें प्रूफ की जा सकती हैं दूसरे इक्वेशन से कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है EF के और AE पैरेलल है BF के, लाइन पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल जो होगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेटर ABFE इज द पैरेललोग्राम। ABFE क्या हो जाएगा, ये वाला जो है पार्ट वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम होगा सेम इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट को भी हम पैरेललोग्राम बता सकते हैं। सिंस पैरेललोग्राम ABFE एंड ट्राइंगल APB आर लाइन लेइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड द कॉमन EF एंड BAB ऑन द सेम बेस AB। अब देखिए इनका बेस आप देखेंगे इस पैरेललोग्राम में तो ये होगा,
और अगर हम आप इसमें देखते हैं तो ये सीडी बेस होगा, दोनों ही तरीके से दो इक्वेशंस यहाँ पे आएंगे, पहली इक्वेशन ये आ गई और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आ गई पी सी डी के लिए भी, अगर ऊपर वाले के लिए भी आएगी तो नीचे वाले के लिए भी आएगी। दोनों इक्वेशन को अब हम करेंगे प्लस, राइट। जब हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, इन दोनों का एरिया और ये इनका एरिया के बराबर होगा। इस तरीके से ये चीजें प्रूव हो गई कि इन दोनों का जो सम है इस कंप्लीट एरिया के हाफ के बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें ही सेकेंड क्वेश्चन है। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि एपीडी, एपीडी ये जो ट्राइंगल है और ये जो बीपीसी ट्राइंगल है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, एपीबी और पीसीडी इनके बराबर है, ये हमें प्रूव करके बताना है। देखिए अगर हम लाइन यहाँ से अगर आप कर दें, देखिए पहली बार हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, इस बार हमने एमएन से ड्रॉ कर दिया। जब हमने एमएन से ड्रॉ किया तो लाइन पास कर रही है लाइन सेगमेंट से, ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा एबीसीडी, तो एमएन और एडी ये कंस्ट्रक्शन से मिल गया और एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, और इसी तरीके से अपोजिट साइड्स भी हो गई, एबीसीडी के पैरेलल हो गया, तो एएम भी हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, डीएन के। सेम वही चीज है, बस इस बार हमने क्या किया, लाइन एमएन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, पहले हमने यहां से ड्रॉ किया था तो हमने यहां से कर दिया। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजें तो हमारे पास दो इक्वेशन मिलकर के आई है, दोनों इक्वेशन से ये पैरेलल लाइंस मिली है जो कि क्वाड्रिलेटरल ए एम एन डी ये जो है इसके इक्वल होंगे। और अब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को तो एपीडी जो है वो सेम लाइन कर रहा है और ये कॉमन, ये सेम बेस हो गया एडी का, और इसी तरीके से जब हम इसमें इधर भी करेंगे तो बीसी हमारा सेम बेस होगा, इसी तरीके से बीसी भी हमारा सेम बेस होगा, और यहाँ भी एक इक्वेशन हमें मिलेगी, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को प्लस कर दिया 8 और 9 को, तो ये चीजें निकल करके आ गई, एम एन बी सी हो गया हमारा और ये दोनों आ गया हमारे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो सिचुएशन आई है इक्वेशन नंबर 10 में, तो इन दोनों का जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को प्रूफ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे क्या अप्रोच हमारी रह रही है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में आते हैं, बार बार देखेंगे चीज़ें आपको ईजिली समझ आएंगी। पी क्यू आर एस दिया हुआ है या ए बी आर एस दिया हुआ है, देखिए पी क्यू आर एस दिया हुआ है और ए बी आर एस, इन दोनों पे फोकस करिए, इन दोनों का जो एरिया है ना ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि पी क्यू आर एस ए बी आर एस सेम बेस इनका, देखिए एक का बेस हमारा क्या है एस आर है और एक का जो बेस है हमारा क्या है वो ए पी बी है, पी बी है, सेम बेस पे आ रहे हैं। तो अगर सेम बेस पे आएंगे तो ये दोनों एरिया बराबर होगा, अभी हमने देखा प्रूफ करके पिछले क्वेश्चन में भी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो ए एक्स एस है ये जो है वो उनका जो बेस है वो हमारा क्या आ रहा है, अगर इनके बेस की हम बात करें तो देखिए सेम बेस ऑन द बिटवीन सेम पैरेलल ए एस एंड बी आर, ए एस और क्या है बी आर, ये राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एक्स एस है इसका जो एरिया होगा वो ए बी आर एस इसके बराबर होगा, ए बी आर एस वाला हम पैरेललोग्राम ले रहे हैं राइट, ये वाला पैरेललोग्राम आप ध्यान से देखिए इसके आप होगा क्योंकि बेस इसका तो यही है, एस ए एस सेम है ए बी आर एस के लिए। इसी तरीके से अब हम ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जब लेंगे हम ये वाला तो इस बार जो हमारा होगा वो कुछ अलग कंडीशन होगी, वो ए एक्स एस होगा, ये एक्स एस होगा, ये वाला होगा पी क्यू आर एस के लिए। जब पी क्यू आर एस लेंगे हम, पी क्यू आर एस लेंगे तो ए एक्स ये वाला होगा राइट, इसके आप होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो ये चीज़ें एग्जैक्टली क्या हो रही हैं, ये प्रूफ हो गई हैं कि ये दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन से ए एक्स इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर एस राइट, और पी क्यू आर एस इन दोनों के इक्वल है, तो ये भी चीज़ क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्वेश्चन नंबर 6th के बारे में बात करते हैं जिसमें कि चीज़ों को आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फ्रॉम अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सी लुक टुक एनी पॉइंट ए ऑन द आर एस एंड ज्वाइन इन टू द पी एंड क्यू, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये, वॉट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट, इसका शेप क्या होगा। देखिए और द फार्मर वॉन्ट टू सो वीट पल्सेस इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट, कैसे ये करेगा। देखिए अगर इस पिक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं ना तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहे हैं थ्री फिगर्स में, पहला पी क्यू ए ये एक बन रहा है, पी एस ए बन रहा है एक ट्राइंगल,
और एक क्यू आर ए बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो अलग अलग ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें, तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तीन ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेलोग्राम के एरिया के बराबर होगा। हमें पता है कि जो पैरेलोग्राम है, इफ पैरेलोग्राम एंड ट्राइंगल्स आर द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेलोग्राम के हाफ होता है अगर सेम बेस पे हो। तो ये देखिए पी ए क्यू, पी ए क्यू हाफ हो जाएगा, पी क्यू आर एस के दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, चीजें कुछ इस तरीके से आएंगी। देखिए ये हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया है, पी एस ए क्यू, पी एस ए को कर दिया, यहाँ भी आप देखिए बेस सेम, और प्लस क्यू आर ए, क्यू आर ए को कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो पी क्यू आर एस के हाफ होंगे। तो अब जो इक्वेशन थी उनको हमने प्लस करके हमें देखा, द फार देयर फॉर द फार्मर मस्ट सो द व्हीट ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट पी ए क्यू, पल्सेस करेगा दो पार्ट्स में, पी एस ए में और क्यू आर ए में, पी एस ए में करेगा और क्यू आर ए में पल्सेस करेगा, इसमें व्हीट करेगा, व्हीट ट्राइंगल पार्ट्स पी एस ए एंड द क्यू आर ए पल्सेस इन द ट्राइंगल पार्ट पी क्यू ओ। और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है 9.2 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेब आप हमारी क्या कर सकते हैं, जो नंबर है उस पर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं, अपकमिंग डाउट सेशन लेक्चर्स के बारे में जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग यू टीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।